हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट तो आप लोग का सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके लिए मैं हिंदी का पेपर लेकर के आ चुका हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे कौन कौन से प्रश्न आप लोग से पूछे जाएंगे। साथ ही आप लोग को इस क्वेश्चन सीरीज के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि इसमें टोटल 60 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से 50 का आंसर करना है, और सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो 5 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आपको उन 5ों क्वेश्चंस का आंसर करना रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे। आप लोग का यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्न के प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रत्येक उत्तर के लिए एक ही विकल्प सही है, इनमें से केवल 50 प्रश्नों का ही सही विकल्प उत्तर पत्र में चिन्हित करें। सबसे पहला क्वेश्चन है मूक नायक क्या है। तो मूक नायक एक अखबार था जो कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा निकाला गया था। अगला सवाल है भीमराव अम्बेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो महात्मा बुद्ध भी थे, कबीर और ज्योतिबा फुले, यानी कि उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किनको अपना मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसको हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अछूतों को। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल तो है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो उनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है द कास्ट इन इंडिया डियर मैकेनिज्म किसकी रचना है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर का रचना है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी श्रम विभाजन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो लेखक को इस युग में विडम्बना कहाँ दिखाई देती है। तो जब लोग बात करते हैं जातिवाद में तब इनको वहाँ पर विडम्बना दिखाई पड़ती है। अगला है गिरधर लाल का बेटा कौन है। तो गिरधर लाल का बेटा का नाम है मदन। और उसके बाद खोखा जीवन के नियमों में अपवाद था, वह यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गदांश किस पाठ से लिए गए हैं। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विष के दांत से। अगला है खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है। तो बच्चा बच्ची, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म, इसका आंसर हम लोग छोड़ देते हैं। अगला सवाल हम देखेंगे सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियाँ थी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे गिरधर लाल कौन था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मदन का पिता। अगला है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी खोखा के अनुसार। अगला हम लोग देखेंगे तो खोखा का नाम क्या था। तो खोखा का नाम था काशु। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला है मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भारत। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि यह ओरिजिनल पेपर नहीं है, ये एक तरह से प्रैक्टिस सेट है। ओरिजिनल पेपर एग्ज़ाम से पहले आप लोग को मिल जाएगा इसी चैनल पे, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला हम लोग देखेंगे तो वारन हेस्टिंग्स कहाँ के गवर्नर जनरल था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारत का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मैक्स मुलर ने। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है यहाँ पर मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति का अन्यास अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी भारत और नेपाल। अगला है प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों का मनन योग देश है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी भारत। अगला है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। इसका आंसर हम लोग छोड़ देते हैं। नानक की दृष्टि से ब्रह्मा का निवास कहाँ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सच्चे हृदय में। अगला है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किस पर बल देता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो जो नर दुख
दुख में सुख नहीं माने किसकी रचना है, तो ये भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी गुरु नानक का। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ओरिजिनल पेपर पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।